Hi guys, so today is the first day of daily vlogging. I will continue this for straight 10 days. तो आज है 27 जनवरी और आप देख सकते हैं धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। यहाँ राजस्थान में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। पीछे मेरा हॉस्टल है, अभी मैं मार्केट एरिया की तरफ जा रही हूँ। यहाँ जाके ये मार्केट एरिया का शॉर्टकट आता है और अगर लॉन्ग साइड पे जाना है तो यहाँ से हम मार्केट जा सकते हैं। तो बनस्थली इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमें पूरा बनस्थली घूमने के लिए बस से जाना पड़ता है। तो यहाँ बस को मेटा बोलते हैं और ये मेटा सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले ही एडमिशन के टाइम पे हम ले लिए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर। तो ये देखिए ट्रक आया है और इस ट्रक में हमारा सारा ग्रोसरी का सामान आता है मैस के लिए। यहाँ केवल 10 दिन ठंड पड़ी है, उसके बाद आप मौसम देख ही सकते हैं। डेली इतनी तेज़ धूप निकलती है जैसे कि गर्मियों के मौसम में निकलती थी। देखिए मेटा ना अभी यहाँ खड़ी हुई है और यह है मेटा का स्टॉपेज। तो लड़कियों ने यहाँ पे लाइन लगा ली है और यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हॉस्टल और कैंपस बहुत ज़्यादा दूर हैं। जैसे कि किसी का हॉस्टल है ओल्ड मार्केट की तरफ और कैंपस पड़ गया उनका न्यू मार्केट की तरफ। तो काफ़ी सारे बच्चों ने अपने लिए साइकिल ले रखी है यहाँ पे। मेटा आ गई है, चलते हैं। और ये है प्रज्ञा मंदिर और ये है हमारा हॉर्स राइडिंग एरिया। बनस्थली स्पेशली फेमस है हॉर्स राइडिंग के लिए। अभी फिलहाल एक ही हॉर्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर, फिलहाल एक ही हॉर्स था यहाँ पर। कोई बात नहीं, आप लोगों को दोबारा लेके आऊंगी यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ जायका वाली की तरफ। तो जायका वाले का समोसा ज़्यादा अच्छा है शानूस से, तो मैं अक्सर यहीं आती हूँ समोसा के लिए। यह है अन्नपूर्णा कैंटीन और इधर जाके सामने ये एरिया है शानूस का। तो आज मेरी क्लासेस नहीं थी इसलिए सोचा व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं आज से। तो देखते हैं अभी 10 दिन तक कैसे हो पाएगी व्लॉगिंग। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि व्लॉगिंग तो हो जाती है लेकिन उसके बाद जो एडिटिंग करनी होती है उसमें 99% ऑफ द टाइम जाता है, तो इजी नहीं है, प्लीज़ सपोर्ट करना। तो अभी घर चलती हूँ और शाम को 6 बजे मुझे बास्केटबॉल खेलने जाना है। उसके बाद एडिटिंग करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये है न्यू मार्केट शानूज और ये सब्जियाँ आ चुकी हैं। शाम के स्नैक्स रेडी हैं लेकिन नाश्ते में आज बनी है फ्राइड इडली, जो कि कोई नहीं खाता इसलिए मैं लेने नहीं जा रही। गाइस अभी शाम हो रही है और मैंने ये सूप बनाया पीने के लिए और मेरी रूममेट कुछ कार्ड्स बना रही है वैलेंटाइन डे के लिए। फाइनली ये बन गया है। तो आज मैं ऐसे बनाया राजमा चावल, हम लोग खाने जा रहे हैं। गुड नाइट गाइस, कल मिलती हूँ आप लोगों से।